हम हाउस पे ये देखो अंदर जी वैगन खड़ी है, मेरी हायाबुसा भाई चलाने गए हैं और ये भाई की नई पोलारिस है। भाई क्या गोली की तरह उठती है यार। क्या हाल है आप सभी के? तो आज का व्लॉग भाई जहर होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के अभी फार्म हाउस पे और कुछ अपने बिजनेस पार्टनर से आपको मिलाऊंगा। तो पहले डॉलर को देखो कैसे। ओए डॉलर चल रहा है घूमने, चलेगा चलेगा चले घूमने। फट मैं कर रहा हूँ नाश्ता, आज बने हैं चीले और मैं हो गया हूँ बहुत ज्यादा लेट। देखो ये मेरे साथ साथ घूमता है, जब भी नहा के तैयार होकर नए कपड़े पहनता हूँ ना तो इसको लगता है कि मेरे को घुमाने जा रहा है मेरा मालिक और साथ साथ घूमेगा, अब गेट पे ही रहेगा। क्या आकाश मुझे मिल गया, आकाश मेरे पीछे बैठा पूरा सामान लोड करके आया, उस आप सामान ढो रहे हम, बड़ी गालियां पड़ेंगी भाई हमें सुजुकी कंपनी से। है ऑटो बना दिया ऑटो बना दिया भाई कसम से यार, मनक का फोन पे फोन आया जा रहा है। ये देखो कितने लेट हो गए, 12 बजे पहुंचना था, अभी टाइम क्या 12:20 और तेरे को वेट करते हुए कितना टाइम हो गया? 1 घंटा। अबे सॉरी आई एम सो रूड। देखो आया उस अभी इतना सामान लोड कर रखा था हमने, तो मनक को आज बैठा के हाँ कर रहे हैं थोड़ा, तो एक स्ट्रेच लेते हैं लंबा थोड़ा, अभी तो खैर ट्रैफिक है बहुत। ओ कैसा लगा भाई? मस्त। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मनक के बाल उड़ गए पूरे। इसको ज्यादा खींच नहीं रहा हूँ ना ज्यादा लीनिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है सुपर बाइक का और ना मैं बुंड पंगे लेना चाहता भी इसमें, अपना सिंपल सिंपल चलेंगे, कंटेंट बनाएंगे और मजे लेंगे। ये देखो छतरपुर मंदिर में हनुमान जी की जय, हनुमान जी कृपया बनाए रखना। एक गजब की लोकेशन पे आज मैं अपने एक दोस्त के फार्म हाउस पे आज, वहाँ पे शूट है मेरा। जैसे आप में से काफी लोगों को पता है मैंने होल लाइन नियार्ड चैनल बनाया तो उसका पहला शूट है आज। अभी हम आ गए अपनी लोकेशन पे फार्म हाउस पे, पहले मैं आपको शूट दिखाता हूँ फिर मैं दिखाऊंगा ये शूट कहाँ पे आएगा और कब आएगा। तो ये रही जी वैगन जो अभी चलाएंगे हम और ये मेरी भूसा और ये रहा मनक। क्या हाल है बॉस? बिल्कुल ठीक भाई, बहुत पतला हो गया ये लड़का, इसके इंस्टाग्राम पे जाके पूछो क्या राज है। मनक जी प्लीज शूट कर दो यार। पक्का पक्का। अब हम आपको मिलाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टनर से, गौरव जोन से, एके गौरव शर्मा, आइए। चलो मनक भाई, ऑनलाइन यार्ड्स का बहुत अच्छा आइडिया था तो पब्लिक को थोड़ा गाड़ी में बैठ के थोड़ा घूमते हुए बताते हैं। थैंक यू। गौरव भाई हमें बताइए कि गर्ल्स जोन टीम द होल लाइन यार्ड्स टीम के साथ क्यों जुड़ी है? मनक भाई आपका जो आइडिया था होल लाइन यार्ड्स का मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा और मेरे को लगता है कि जितने भी हम आइडिया जितने भी कंटेंट बनाएंगे व्यूअर्स को वो चीज बहुत पसंद आएगी, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। सो गौरव भाई हमारे व्यूअर्स को डिस्क्लोज करिए कि हमारी जो तीसरी वीडियो आएगी चैनल पे द होल लाइन यार्ड्स पे वो किसके साथ आएगी? तो हमारा जो नेक्स्ट कोलैबोरेशन आने वाला है वो स्वामी चिरानंद सरस्वती के ऊपर आने वाला है, उनके बारे में जान के लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत बड़े धर्म गुरु हैं और अभी फिलहाल ऋषिकेश में है। मैं अभी थोड़ा जी वैगन को थोड़ा मेन रोड पे लेके चलते हैं और हमारे पीछे जो भाई बैठे, क्या नाम है भाई आपका? उमेश सिंह। ये भाई बहुत ही बढ़िया इंसान है, तो हमसे कह रहे हैं एक बार थोड़े मेन रोड पे चलो, थोड़ा पावर दिखाते हैं आपको, तो थोड़ा आपको इसकी गियर शिफ्टिंग भी दिखाऊंगा कैसे है। और आपने कितने खींची है, मैक्सिमम कितनी तक चलाई है? मैंने 150-200 तक चलाई है। लाभ चुपक के चलती है? हाँ भैया। क्या बात है, तो मतलब भाई गाड़ी की बहुत तारीफ कर रहे थे, मेरी फेवरेट कार है, ड्रीम होती है, अब देखो जल्दी पूरी हो। ओ भाई क्या गोली की तरह उठती है यार, स्पीड देते ही 100 टच कर दिया भाई, अमेजिंग, दिल खुश हो गया यार। ये रिवर्स हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, एक बार ही नीचे करोगे तो ये ड्राइव हो गया, तो ड्राइव पे चला रहे हैं अभी, तो स्पोर्ट्स मोड खोला ही नहीं है भाई, ऐसे करके हम व्लॉग बना रहे हैं, पूरा चिल कर रहे हैं हम हाउस पे। ये देखो अंदर जी वैगन खड़ी है, मेरी हायाबुसा भाई चलाने गए हैं और ये भाई की नई पोलारिस है। क्या बात है, बहुत सही चलती है। कमेंट करके बताओ कि इसके ऊपर एक फुल व्लॉग बनाना चाहिए या नहीं। पूरी ये सारे पार्टनर्स हैं हमारे होल लाइन यार्ड्स के, तो ये है अमन जी, वो है अर्जुन जी। क्या बात है आचार्य जी, मार्गदर्शन मार्गदर्शन। कैसे आचार्य जी? बिल्कुल ठीक है जी, आप लोग बढ़िया। अब से ये सारे फेसेस आपको दिखते रहा करेंगे। तो ये जी वैगन और ये काफी सारा फोटोशूट करा, तो जिसको भी यहाँ का फोटोशूट देखना तो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, पूरा स्टोरीज में डालते रहता हूँ पहले ही। और ये पोलारिस है कितने सीसी है?
तो ये 1000 cc है और मैक्सिमम स्पीड इसकी 120 है। टॉप कितनी चली आती है वैसे? फुल। आपने लास्ट कितनी चलाई थी? 130। ग्रेट। तो इस मोमेंट में पुलिस ने हमें पकड़ लिया था क्योंकि हमारी गलती थी, क्योंकि हमारे एक दो भाइयों ने मास्क नहीं लगा रखा था। जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे, हमें पूल का शूट चाहिए था तो पूल का शूट करने जा रहे हैं अभी हम पूल साइड एरिया में। तो यार एरिया बड़ा प्यारा यार, दिल खुश हो गया मेरे से, ऐसा लग रहा है शिमला मनाली से आ गए यार। नहीं देख रहे हो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और छोटी सी रोड है एकदम घुमावदार पहाड़ों वाली। तो बेसिकली ऑनलाइन यार्ड्स के बारे में बता दूँ, हम हैं टोटल 5 पार्टनर्स। देख रहे हो सामने वाली गाड़ी में वो जा रहे हैं, अभी हम आए हैं दूसरे फार्म हाउस पे, यहाँ पे शूट करेंगे एक पूल वाला। तो अभी अर्जुन भाई का शूट है, तो अभी ये पूल साइड एरिया है। ये देखो फार्म में कितना प्यारा बना रखा है यार, बहुत ही ह्यूज है यार, देखो पूरा किसी का पर्सनल फार्म हाउस है। तो अभी यहाँ का यहाँ पे लेंगे भाई का शॉट। पूरा दिन इसी में चला गया, सबके इंट्रो शूट कर रहे हैं हम कि किसका क्या रहेगा, किसका क्या रहेगा। देखो गिम्बल से शॉट हो रहा है, गिम्बल से शूट हो रहा है पूरा। हाँ आकाश बाबू कर रहे हैं, हमारे प्रोफेशनल एकदम गजब। जो तो यहाँ भी शूट कंप्लीट हो गया। तो भाई जो मैं आपको पार्टनर्स बता दूँ, मेरे पार्टनर्स क्या क्या करते हैं, तो मनक को तो आप देखते रहते हो व्लॉग में, स्टूडेंट है। हाँ जो आचार्य जी थे वो एनजीओ हैं काफ़ी सारे और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना। पोलारिस में जो दो बंदे बैठे थे, एक का नाम अमन था, तो अमन के हैं रेस्टोरेंट है, उसमें रेस्टोरेंट में भाई के सेलिब्रिटी के शेफ रखे हुए हैं उन्होंने, और जो ग्रफ फेस्ट है उनके ओनर भी अमन जी हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो अमन अर्जुन थे पोलारिस पे, ये दोनों जिगरी आ रहे हैं, इनके बहुत सारे बिजनेस हैं। और जो अर्जुन था जो व्हाइट शर्ट में था, वो जस्टिन बीबर को लाया था, और अगली साल इससे भी बड़ा एक सेलिब्रिटी ला रहा है अर्जुन भाई हमारा। और ये जो पूरी टीम बनाई है मनक ने बनाई है, पूरे मनक ने एक एक हर एक फील्ड का दिग्गज उठा के पूरा टीम बनाई है ये। हाँ पांचवा पार्टनर तुम्हारा भाई है, इसने मचाई तो भाई है। देखो ये देखो मैसी, ओए क्या कर रहे हो बे, पहचान गए ओ भाई, बच्चे पहचान गए। पता नहीं भाई अभी तो मैंने एक ही दिन दिखाई है बाइक इनको, पता नहीं कैसे पता चला, पूछूं, पूछता हूँ यार। इधर आओ इधर आओ भाई, तुम्हें कैसे पता गौरव जोन है? अच्छा कहाँ जा रहे हो? अच्छा बहुत बढ़िया, चलो बाय, ओके बेटा। गजब भाई यार, मतलब आज कम से कम 10-15 लोगों ने मेरे गाड़ी से हेलो बोल दिया गौरव जोन में, ना बड़ी जल्दी बाइक पहचानने लगे। अभी तो नंबर भी नहीं डाला आगे की साइड बाइक पे, और ना नंबर दिखाया मैंने से। भाई एक बारी राउंड ले लूं भाई, भाई क्या बात है। तो ये लौंडे बड़े अच्छे हैं ये, तो यूलू चला रहा तुम्हारा भाई हेलमेट पहन के तो अभी राउंड मार के आते हैं थोड़ा यहाँ पे। यूलू चलाने में क्या मजा आ रहा है भैंस की, हाँ हेलमेट लगा के यूलू, अंकल जी अंकल जी अंकल जी, थोड़ा साइड ठुक जाओगे। तो यू टर्न लेते हैं यूलू में, शिट शिट सामने पुलिस वाले, ओ यू टर्न लो नहीं तो चलान कट जाएगा, हेलमेट पहना हुआ है फिर भी। ओ भैया यू टर्न ले लिया हमने तो, ये लड़कियाँ हंस रही हैं मेरे ऊपर पता नहीं क्यों, इतना इतना बुरा तो लड़की हंस क्यों रही है यार अरे स्टैंड भी ना है यार, मैं तो स्टैंड लगा रहा हूँ। थैंक यू बेटा, लो लो भैया जी। तो यार रुक जा खिला रहा हूँ, आजकल मेरा खाना डेली बाहर से आ रहा है क्योंकि मम्मी नाराज है और खाना बनाती नहीं है। ये देखो नहीं बनाती ना खाना, क्यों नहीं बनाती हो, क्यों नहीं बनाती हो, कैसे करोगी तो ये खाना बाहर से आ रहा मेरा डेली, खाना क्यों नहीं बनाती। ऐसी हालत हो गया तुम्हारे भाई की, एकदम घर में ही एकदम कोई पूछ कर आती नहीं है। सुबह में जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तो मेरे हाथ से एक सैंडविच गिर गई, और मतलब खाते खाते वो नीचे टपक गई, और इस चक्कर में मम्मी मुझसे गुस्सा है और कह रही है कि अब मैं तेरे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। तो मैं मम्मी को मना लूंगा, खैर आधे एक घंटा लगेगा बट समझाऊंगा मम्मी को, हो जाता है क्या कर सकते हैं। तो ये देखो ये है वो सैंडविच, ये पूरी डॉलर खा रहा है, ये देखो देखो आया है, ये मैंने फिर सुबह डॉलर के लिए डाल दी कि ये वेस्ट ना हो, डॉलर खाएगा सैंडविच, ये देखो खा ले मेरा बेटा। मेरे पे इंस्टाग्राम पे इतने सारे DM आ रहे हैं, अब ट्रिप पे कब जाओगे भाई, अब ट्रिप पे कब जाओगे भाई। ट्रिप पे मैं जाने वाला था बट मैं थार को देने गया सर्विस के लिए, मेरे को लगा नॉर्मल सर्विस होगी, बट जब थार खुली ना उसमें इतने मेजर इशू आया, मेरा देख के दिमाग घूम गया। तो उसके पार्ट्स खुल के अभी बैंगलोर गए हैं और आने में टाइम लगेगा, उसके ऊपर सिंगल व्लॉग बनाया वो मैं नेक्स्ट डालूंगा कि मेरी थार में क्या हुआ है एक्चुअली। इस वजह से मैं ट्रिप पे मैं जा नहीं पा रहा, और जैसी मेरी थार शायद 3 या 4 दिन में आ जाएगी फिर मैं जाऊँगा। हायाबुसा मैं इसलिए लेके नहीं आ रहा क्योंकि अभी मानसून का सीजन है और बाइक पे सेफ नहीं है।
तो ये वीडियो गाइस हम यहीं एंड कर दूं। आप सभी के लिए एक बहुत ज्यादा गुड न्यूज है गाइस, सीन ऐसा है मैं सोच रहा हूँ कि अपने 6 सब्सक्राइबरों को अपनी हायाबुसा पे राइड दूं, एक गिव अवे करूंगा मैं, उस गिव अवे के जो विनर होंगे उनको मैं गिफ्ट दूंगा और अपनी हायाबुसा में राइड दूंगा, उसके ऊपर एक पूरा व्लॉग बनाऊंगा। तो अगर आपको इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो सिर्फ 4 शर्तें हैं। नंबर पहली शर्त यह है कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, यूजर आप ये देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दो। फिर इंस्टाग्राम पे मैंने ये वाली फोटो डाली है, इस पे कोई भी अच्छे से कमेंट करो क्योंकि इसी कमेंटों में से मैं 6 सब्सक्राइबर उठाऊंगा। और नंबर तीसरी चीज़ है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये लाल कलर का बटन दबा के, और नंबर चौथी चीज़ ये बेल का ऑप्शन दबा देना, उससे क्या होगा आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं कोई व्लॉग डालूंगा। तो ये 4 शर्तें करो, मैं गिव अवे का विनर अगले संडे निकालता हूँ और सब्सक्राइब कर लो यार, 4 मिलियन होने वाले।